वेलकम फ्रेंड्स, एक नई उम्मीद के साथ आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है। आप लोग जानते हैं कि बुधवार और बृहस्पतिवार आपकी डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर की क्लास होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस समय हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। तो इसके पहले आप लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है, आज उसके आगे हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा। सवाल देखिए क्या है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रम से, यानी कि क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। आयताकार मतलब कि ऐसे होगा, है ना। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 50:15 है, यानी कि लंबाई जो है 50 होगी और चौड़ाई कितना है, 15 है। तो अनुपात पूछा है, अनुपात जानते हैं आप क्या होगा। ऐसे लिख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इक्वल कितना होगा, जानते हैं आप, बटे में कर लेंगे ना उसको, ठीक है। देखिए कैसे हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कितना फोन कॉल ना करें पढ़ाई के टाइम पे, बिल्कुल ना करें, ठीक है। आंसर कमेंट कर दें जिनको आता है, जल्दी कमेंट करें, आपका टाइम निकल रहा है, जल्दी से कमेंट करें। जी बिल्कुल, अनुपात मतलब इसको बटे में कर लेंगे, ये 50 बटा हो गया 15, है ना। अनुपात मतलब जानते हैं, इसे मत करिए जिसको दिक्कत हो रही हो। ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आप 50 और 15 लिख सकते हैं, 50 अनुपात 15 लिख सकते हैं ना। अब आप इसे 50/15 कर सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 10/3, यानी कि 10 अनुपात क्या आएगा, 3। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले सवाल पे, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल और आपके सामने आ चुका, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, है ना, नहीं लग रहा है। देखिए 20 और आपको क्या करना है, 20 और 10 लंबाई आप 20 कर लेंगे इसमें। देखिए मैं 20 कर देता हूं, चौड़ाई कितना है, 10। अब आप लोग अनुपात बताइए कितना हो सकता है। ऑप्शन में दिखा देता हूं आपको नए ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 1:7, दूसरा है 1:3, तीसरा है 1:2, चौथा है नॉन ऑफ दीज। जल्दी से दूसरे सवाल का जवाब कमेंट करिए, जैसे पहला लगा था उसी तरह से होगा। फिर इसके बाद देखिए अगला सवाल, जल्दी करें, टाइम आपका बीत जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दिया गया है, इसको कैसे करेंगे। देखिए कह रहा 90 सेंटीमीटर और 1.5 क्या है, मीटर का अनुपात क्या होगा, कैसे निकालेंगे। पहले तो एक राशि में होना चाहिए दोनों, जो भी दिया गया है, तो जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर या मीटर से सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो आप देखिए ये तो 90 सेंटीमीटर दिया ऑलरेडी, 1.5 मीटर है ना बाबू, ये 1.5 क्या है, मीटर। इक्वल ये कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर में कितना होगा, 150 सेंटीमीटर, है ना। और दूसरा कितना दिया है, ये 90 सेंटीमीटर सीधा सीधा दिया है, दोनों में अनुपात निकालना है। आप इसे लिख सकते हैं 150/90, आप काट देंगे 0 से 0 कट गया, 15/9 बचा, 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 3 9, यानी कि 5 अनुपातें कितना आएगा, 3। या फिर इसको आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए अगर हम इसको ऐसे बोले, ये पहले दिया गया 90 सेंटीमीटर ना, ये बाद में दिया गया है, तो जो पहले होता है उसको अक्सर ऊपर लिखा जाता है अंश में। तो ये आप इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये कर सकते हैं कि आएगा तो उत्तर उतना ही, इसे आप ऐसे लिख लें ज्यादा अच्छा होगा, 90/150 सेंटीमीटर। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि ये सही तरीका है, वो तरीका सही नहीं था। मतलब जो पहले दिया उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में दिया उसको नीचे लिखते हैं, काट देंगे फिर से वही आएगा क्या, 3/5 ही आएगा, मतलब 3:5 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, समझ गए ना कैसे काटेंगे, अभी हमने आपको बता दिया था। तो आप लोग अब अगला सवाल देख लें इसी टाइप का, उसका उत्तर कमेंट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अगला सवाल हम आपको देते हैं तुरंत।
अगला सवाल देखिए आपके सामने है, कह रहा है 120 सेंटीमीटर और 3 मीटर का अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2:5:2 का होगा, 2:5 का होगा, 7:3 का होगा, या फिर नॉन ऑफ दीज होगा, क्या होगा जल्दी से बताएं। 120 सेंटीमीटर और 3 मीटर, जैसे आपने पिछला सवाल देखा वैसे सेम टू सेम होगा, ठीक है ना। पहले तो 3 जो मीटर में है ना इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, जो सेंटीमीटर में दिया उसको पहले लिख लीजिए, वैसे ये दिया है ना डायरेक्ट 120 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होगा, बस हो गया ना आपका अनुपात, निकाल लीजिए 120 बटे 300, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा ये 12/30, 30 बचा 3, ठीक ना, क्लियर। गड़बड़ है यहाँ पे, देखिए जीरो और भी रहेगा ना, 300 होगा ना बाबू, ये 300, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 30 बचा, काट दीजिए 6 × 12 = 6 × 5 = 30, 2/5 मतलब होता है 2:5, ऑप्शन नंबर बी सही, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टाइप के सवाल पे चलते हैं, अनुपात समानुपात में। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, पांचवा सवाल, ध्यान दीजिएगा। 60 रुपए को कृति और सुमन के बीच 1:2 के अनुपात में बांटने पर कृति का हिस्सा क्या होगा। देखिए 60 रुपया है और दो लड़कियों में बांटा जा रहा है 1:2 के अनुपात में, तो ये पूछा जा रहा कि इसमें पहली लड़की का अनुपात क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पहले जो अनुपात दिया उसका योग निकालते हैं, योग जितना आता है फिर क्या करते हैं उससे भाग कर देते हैं किसमें, जितना टोटल अमाउंट होता है, और फिर जिसका निकालना होता है उससे गुणा कर देते हैं। देखिए लिखेंगे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग मतलब अनुपातों का योग कितना होगा, 1:2 है ना, तो 1:2 = 3 आया। अब लिखिए कृति का हिस्सा, कृति का कितना हिस्सा होगा, कृति का कितना अनुपात है भाई, 1:2 है, 1:2 इसका मतलब कृति का 1 है और सुमन का 2 है, तो 1 हो जाएगा कृति का, है ना, और भाग किससे करेंगे, टोटल जितना है गुणा करेंगे जितना टोटल अमाउंट होगा, इस तरह से आपका ये आ जाएगा 20 रुपया, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर जो दिए गए उनमें से जल्दी से नोट करें, फट से बताएं कौन सा ऑप्शन है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अगले सवाल पे गौर करिएगा। देखिए 6वां सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताएं, वही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, कृति का हिस्सा आपने बता दिया था तो सुमन का हिस्सा कितना आएगा, ऑप्शन है 30 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए, जल्दी से बताएं कितना आएगा। सिंपल सी बात है, आप गेस कर सकते हैं कि अगर 60 रुपया टोटल था उसमें कृति का हिस्सा जो है वो 20 रुपया था तो सुमन का हिस्सा 40 बचा, लेकिन आप इस सवाल के माध्यम से कैसे लगाएंगे, इसमें आप ये कर सकते हैं अनुपातिक योग निकालेंगे तो 2:1:3 आएगा, फिर लिखेंगे सुमन का हिस्सा बराबर, सुमन का अनुपात कितना है 2 ना, फिर टोटल योग कितना है 3 कैसे आया, 2 को 1 में जोड़ा अनुपातों का योग, और फिर टोटल कितना अमाउंट है 60 रुपया, काट दो ना भाई ये 40 रुपया आ गया, इस तरह से 6वां सवाल हो गया। अब देखिएगा अगला और अन्य टाइप का सवाल, यानी कि 7वां सवाल, नहीं समझ में आने पे कमेंट करिएगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, यदि 15 किताबों का मूल्य 35 रुपए है तो ऐसी ही 27 किताब का मूल्य क्या होगा, यानी 27 किताब का मूल्य क्या होगा। इसे आप इस तरह से कर सकते हैं एक एक नियम में, लेकिन ये एक एक नियम में कुछ कम अच्छा बैठेगा, इसे हम लगाएंगे कौन सा नियम, अनुपात और समानुपात में। चलिए लिखते हैं एक तरफ किताब और एक तरफ क्या लिखेंगे मूल्य, तो 15 किताब थी तो मूल्य कितना था, 15 किताबों का मूल्य 35 रुपया था, 27 किताबों का मूल्य निकालना है, हमने लिखा किताब 27, मूल्य नहीं पता तो x मान लिया, ठीक ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। 15 किताबों का मूल्य 35 है तो 27 किताबों का मूल्य आपको बताना है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जी हाँ
सातवां सवाल है ना ये, इसे आप ऐसे कर लेंगे अब, मतलब समझ रहे ना कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसे आप लिख सकते हैं यक्ष अनुपाते 35 और फिर समानुपाते 27:15, समझ गए। ये समानुपात के रूप में आप इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है वो ये है कि इसे आप यक्ष बटा 35 और बराबर का चिन्ह लगा करके 27:15 कर दीजिए, क्लियर। इसे आप काट सकते हैं 3×9=27 और 3×5=15। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, यहां पे हम लिख देते साइड में, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, यक्स बटा 35 बराबर ये 9/5, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तिरछा गुणा जिसे बोलते हैं, तो यक्स गुणे 5 और ये 9×35, ठीक ना। अब यक्स बराबर क्या होगा, 9×35 और अपान ये हो जाएगा 5, 5 से कट जाएगा, 5×7=35, 9×7 में 9×7=63 रुपया। अगर नहीं समझ में आता तो जरूर कमेंट करिएगा, तुरंत फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, आपने देख लिया 7-8 सवाल एक क्लास में, यानी कि 10 मिनट में आपने देखा 7 सवाल। अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बताइएगा। एक सवाल आपको हम और देकर के तब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी नियम पे। अगला सवाल लगाइएगा, यदि 5 किताबों का मूल्य 35 रुपए है तो 27 तो क्या करना है, 27 रुपया में ऐसी ही कितने किताबों का मतलब आएंगी। कुछ सवाल गड़बड़ है क्या? देखिए सवाल एकदम सही है, 5 किताबों का मूल्य 35 रुपया है तो ऐसी ही 7 किताबों का मूल्य क्या होगा। बिना एक एक नियम लगाए आप लोग इस सवाल को लगाइएगा, और जो लोग क्लास ज्वाइन किए हैं सवाल हल करने के बाद वो लोग इसी नंबर पे मैसेज करेंगे, उनका सवाल बताया जाएगा कि सही है कि गलत, लेकिन जो लोग ज्वाइन किए उन्हीं का सवाल देखा जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया तो इस पर मैसेज करें, JOIN ज्वाइन लिख करके क्लास ज्वाइन करें, और सभी होमवर्क करके आप लोग भेजें, आपको राइट आंसर बताया जाएगा, ठीक है। कुछ सवाल हम आपको और भी दे दे रहे हैं, इसमें आप लोग इसको करके और भेजिएगा, ठीक है ना, ये आपके DLED के लिए ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 ये आपके लिए होमवर्क होगा, अभी हम हट जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मान निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही आसान एकदम हलवा है, बस इतना मान लीजिएगा, कितना इजी सवाल है ना, लेकिन आपके DLED का ही सवाल है ये। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 12 सवाल ना। इन सभी सवालों का जवाब आप लोग हल करके WhatsApp नंबर 9793488448 पर फोटो खींच करके भेजेंगे, आपको बिल्कुल बताया जाएगा सही है कि गलत। और हाँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हल करके सलूशन भेजिएगा WhatsApp नंबर पे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अगर आप हर दिन क्लास चाहते हैं तो इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें, और देखते रहे आपका अपना PBR स्टडी। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना अपना टाइम दिया, आपकी लाइव क्लास जल्दी शुरू होने वाली है, फिर आपकी क्लास 1-2 घंटे की होगी, ठीक है ना। तो थैंक यू, फिर से मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए इस क्लास को शेयर करके जाइएगा और लाइक अवश्य करिएगा। जी हाँ बिल्कुल, लाइक कर दीजिएगा तुरंत, और शेयर करिएगा कम से कम 5 मित्रों में।